अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपका। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, मैंने थाईलैंड आया था अभी, तो ट्रिप कंप्लीट करके अभी जा रहा हूँ। 16 दिन मुझे हो गए हैं और मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ कि मेरी कॉस्ट क्या आई है, क्योंकि आजकल की हालत में ट्रैवल करना ईजी नहीं है। कोविड की रिस्ट्रिक्शंस के बाद और फिर जो बहुत सारी और रिक्वायरमेंट्स आ गई है कि आपने इंश्योरेंस लेना है, ये लेना है, वो लेना है। तो अभी 16 दिन मैंने गुजारे हैं थाईलैंड में। मैं बैंकॉक आया था, 12 दिन यहाँ गुजारे हैं और पताया गया था 4 दिन वहाँ गुजारे हैं। तो टोटल मेरा खर्चा 2.5 लाख रुपए आया है। इसमें से मैंने पहले भी आपको बताया था 1 लाख मैंने फ़्लाइट की दिए थे, आने जाने की फ़्लाइट थी एमिरेट्स एयरलाइन के थ्रू। और फिर जो है आपको 1 हफ्ते का, मैं सैंड बॉक्स प्रोग्राम में आया था, तो सैंड बॉक्स में ये है कि आपको 1 हफ्ते की बुकिंग चाहिए होती है होटल की एडवांस में, और उसके साथ 2 कोविड टेस्ट चाहिए होते हैं और एयरपोर्ट ट्रांसफ़र भी चाहिए होता है। तो वो तकरीबन 50,000 का आया था और 20,000 की मैंने वो इंश्योरेंस परचेज़ की थी। तो 1,70,000 मेरा उस टाइम लग गया था जब मैं इधर नहीं आया था। फिर यहाँ आने के बाद मेरा 80,000 रुपये और लगा है। ठीक है, बाकी तो आप लाजमी बातें बढ़ा सकते हैं, शॉपिंग करेंगे, एक्स्ट्रा खर्चे करेंगे इधर उधर, तो बढ़ जाएगा। लेकिन ये कि ये वो कॉस्ट है जो यहाँ पे बाकी जो दिन मैंने गुजारे हैं 7 दिन के अलावा, जो 9 दिन, उसका किराया आपको पता है कि मैं बहुत चीप होटल मिला था। यहाँ भी बहुत चीप होटल मिला है दोबारा जब मैं आया हूँ, $15 पर नाइट। बहुत अच्छा होटल मिला है। पहला वाला जो होटल था वो थोड़ा सही नहीं था, मतलब 1 हफ्ते के लिए मैंने लिया था, लेकिन इतना खास होटल नहीं था और महंगा भी था। लेकिन उसके बाद चूंकि वो खास एक होटल होता है ना, SHA+, उसके बाद फिर ईजी रहा सारा कुछ। और 80,000 मेरा खर्चा हुआ है, जिसमें इंक्लूडिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन, घूमना फिरना, हर जगह के टिकट्स वगैरह और रूम्स वगैरह। तो ये सारी चीज़ें मिला के मेरी 80,000 का मेरा और ख़र्चा हुआ है 16 दिन का। इनिशियली मैंने सोचा था कि मैं 30 डेज़ का ट्रिप करूँगा और एक रोड ट्रिप करूँगा साउथ थाईलैंड की तरफ। जैसे बहुत सारे शहर हैं ना रास्ते में, हुआहीन है और चोम्पोन है, सूरत तानी है, को समूई है, पॉकेट तक, कराबी पॉकेट तक मैं जाके वहाँ से वापस बाई एयर आ जाऊँगा। ये मेरा प्लान था। लेकिन जब यहाँ आया तो फिर कोविड की सूरत थोड़ी सी ख़राब हो गई और ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट है भाईजान यहाँ पे। अभी तो मैं तो अपना ट्रिप कंप्लीट करके जा रहा हूँ। मेरा जो है ना अभी जाने का जो कोविड टेस्ट है वो भी नेगेटिव आया है, लेकिन ये मैं रेकमेंड नहीं करता भाईजान। ये जो हालत है ना, अगर ये दोबारा सैंड बॉक्स भी ओपन कर दे तो मैं उसमें भी रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप आओ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप फंस गए, आपका कोई टेस्ट जो है ना वो पॉजिटिव आया कोरोना का, या कोई और मसला हुआ, फ्लाइटें बंद हो गई, इन्होंने कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई, तो आप यहाँ पे बंद हो जाएंगे। मैंने तो रिस्क लिया और अभी तक रिस्क में मैं कामयाब हुआ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि दूसरा बंदा ये रिस्क ले, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखे हैं कुछ लोग 1 साल से फंसे हुए हैं। वो यहाँ पे आए थे घूमने के लिए और फिर उसके बाद फ्लाइटें बंद हो गई और अभी तक जो है ना फिर यहीं पे फंसे हुए हैं। ठीक है, अभी ये फ्लाइटें ओपन हुई है तो दोबारा गए हैं। तो कोई पता नहीं है, 10-15 दिन के बाद एकदम से पॉलिसी चेंज हो जाती है, रूल चेंज हो जाते हैं, रिक्वायरमेंट्स नहीं आ जाते हैं, तो फिर बहुत मुश्किल होता है यहाँ से निकलना। दूसरा ये एक्सपेंसिव पड़ता है कि आपको जो है ना इंश्योरेंस भी लेनी है और फिर जो है टिकट में चेंजेस करेंगे, तो बहुत सारे मसले मसाइल है, टेंशन अलग है। तो मेरे तो 2.5 लाख रुपए लगे। नॉर्मल हालत में जो है ना कोविड से पहले इतने पैसे नहीं लगते थे, और ये ट्रिप जो 15 दिन का ट्रिप जो है ना आराम से 1.5 लाख रुपये में हो जाता था, क्योंकि ये इंश्योरेंस वगैरह का चक्कर नहीं था। ये जो एक्स्ट्रा जो हम लोग उन्होंने होटल लिया है इसका भी मसला नहीं था कि आप महंगे होटल ले लो और 7 दिन के एडवांस में ले लो, तो ये भी मसले नहीं थे। बहुत इजी जो है, इजीली हम लोग अपना काम कर लेते थे। ठीक है, तो ये है कि मैं भी अभी वेट करूँगा, काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हूँ, लेकिन अभी मेरा भी यही इरादा है कि मैं भी यहाँ पे वेट करूँगा। जब तक हालत नॉर्मल नहीं होती तो मैं ट्रेवल नहीं करूँगा, और थाईलैंड का तो बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि थाईलैंड में रिस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा है। इन्होंने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया है ये जो कोविड है, और लेना भी वैसे चाहिए, लेकिन ये इन्होंने थोड़ा कुछ ज़्यादा ही जो है ना रिस्ट्रिक्शंस लगाई है। क्योंकि मैं तुर्की में भी था, तुर्की वालों ने भी SOPs को फॉलो किया है, उन्होंने भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, लेकिन उन्होंने नॉर्मल वाली लगाई थी और रीज़नेबल लगाई थी, जो अंडरस्टूड सी बात थी कि PCR टेस्ट वगैरह, और अगर आपका पॉजिटिव आता है तो फिर आपको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अदरवाइज़ जो है तुर्की का नॉर्मल था, आपको जस्ट PCR टेस्ट चाहिए और जाए, घूमे फिरे, मज़े करें। लेकिन यहाँ पे तो भाई एडवांस में बुकिंग और ये वो सारे इंश्योरेंस और बहुत सारे मसले, और वो भी एंड ऑफ द डे आप देख सकते हैं कि वो भी इन्होंने बंद कर दिया। थोड़ी सी जब केसेस बढ़ जाते हैं तो फिर ये लोग जो है बंद कर देते हैं। तो इस सूरत हाल में थाईलैंड का तो मैं बिल्कुल रेकमेंड नहीं करता कि कोई विज़िट करे, क्योंकि अपने आप को ख़तरे में डालने वाली बात है और डबल ख़र्चा है। तो अभी जो है ना मैंने भी बहुत खर्चा किया है, और इतना खर्चा कौन कर सकता है यार। ये तो आजकल कोविड की सूरत हाल है, बेरोज़गारी है, काम वगैरह इतना है नहीं, तो इतना पैसा खर्च करना मेरे ख्याल से थोड़ा वेट करना चाहिए। मैंने तो एक बस तजुर्बा करना था, कर लिया, काफ़ी टाइम से कहीं नहीं गया हुआ था, और थाईलैंड जैसे कि मैंने आपको बताया मेरा फेवरेट कंट्री है, मेरा बेस्ट कंट्री है दुनिया में, तो इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे मैं आया। तो वंस अगेन गाइस, 2.5 लाख रुपए का खर्चा हुआ 16 दिन की ट्रिप में, एवरीथिंग इंक्लूडेड। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।